अजमेर संभाग स्तरीय मुख्यालय है और बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इस हिसाब से यहाँ की जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और जो दूसरी योजनाएं चल रही सरकार की, जो प्राथमिकताएं हैं उनको चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से पूरा करना, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखना, और जो कि पुष्कर और दरगाह शरीफ दोनों इंटरनेशनली फेम के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो इसके हिसाब से जो अपनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उससे संबंधित जो इश्यूज़ हैं उसको पूरा करना मेरा जो है सबसे प्राथमिकताएं रहेंगी। सर, एक पानी का मुद्दा है, यहाँ जी आपको शायद हेल्प जी करना चाहिए। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि पानी की काफ़ी यहाँ पे किल्लत है। पहले 24 घंटे में थी, फिर अभी 48 घंटे या उसको उससे भी 96 घंटे जा रही छियानवे है। घंटे तक जा रही है, तो इसको भी सही करना मेरा उद्देश्य रहेगा। और समाचार पत्रों से मुझे ये भी पता चला है अन्य स्रोतों से कि जो पानी का लीकेज है उसके बारे में भी जो है तो उसमें सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो पानी वेस्ट हो रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए और हम उसे सख्ती से अपने डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, अपने लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के माध्यम से उसमें विड्रॉल, इलीगल जो भी है या लीकेज है उसको रोक करके और पब्लिक तक वो पानी पहुंचे और उनको राहत मिले, ये धार्मिक उद्देश्य नगरी रहेगा। है सर, जी धार्मिक उन्माद की भी कई बार शिकायतें आती है, छोटे जी मोटे आपको पता हो सकते हैं, आपने हाँ सुना जी होगा, तो हाँ। इस चीज़ों को कैसे रोकेंगे आप अभियान में से? इसमें मेरा उद्देश्य ये रहेगा, जो CLG की बैठक है जो अपने और शांति समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठ करके और जो प्रबुद्ध नागरिक गण हैं उनके साथ बैठ करके हर महीने हम जो है इस पर चर्चा करेंगे। हर थाने में CLG की मीटिंग्स कराएं और आपस में सौहार्द की भावनाएं मजबूत बनाएं और आम नागरिक को हम जागरूक करें कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसको हम कैसे रोक सकें, और ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हम तो भाई भाई की तरह सभी धर्म जो है, हिंदुस्तान सभी धर्मों का संगम है, तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि हम इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें, इसमें पुलिस प्रशासन और पूरा जो मशीनरी है उसको साथ में लेके हम काम करेंगे। लोकसभा स्मार्ट सिटी और हृदय और प्रसाद जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत जी लोग अजमेर चूँकि इंटरनेशनली फेम्ड डिस्ट्रिक्ट है और ये सारी योजनाएं, अजमेर को सौभाग्य है कि ये हृदय और जो अपने प्रसाद और स्मार्ट सिटी में हमारा नाम है, इसमें अभी तक जो भी ढिलाई बरती गई इसको रिव्यू करके और इसको समयबद्ध तरीके से कैसे हम आगे ले जाएं सर, कंसल्टेंट का अभी उसके। तक कुछ नहीं हुआ है स्मार्ट सिटी में। अगर कंसल्टेंट की बात करें तो डीवार करने के बाद में अभी तक कंसल्टेंट अभी तक हम डेप्यूट नहीं कर पा रहे हैं, और काम को जो DPR बनानी है, जो प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, वो जी बिल्कुल फाइलों में दफन है अभी। बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें मैं जैसे इनकी रिव्यू करूंगा, इसमें जो भी कमियां, जैसे आप DPR की बात कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स की है, जयपुर में गवर्नमेंट के साथ सारी चीज़ें टेकअप करके इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। सर, कंसल्टेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो हमारे पास इतने क्वालिफाइड ये अधिकारी हैं, स्टाफ हैं सारा, एक्सीएन जितने भी एसी वगैरह जितने भी होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, क्या हम इनकी डिग्री को बिल्कुल नहीं मानते, कंसल्टेंट पे क्यों डिपेंड होते हैं सर? ये तो MOU जो होता है उसमें उस हिसाब से उन्होंने कोई व्यवस्थाएं की होंगी, तो उसमें जैसे उन्होंने एग्रीमेंट किया है और कंसल्टेंट की आवश्यकता होगी उन्होंने उसको विजुलाइज करके किया होगा, पर मैं इसको रिव्यू करूंगा, इसको इसके डेप्थ में जाने के बाद ही कोई है सर, इसके एक बारे में संभाग बताने स्थित लगे। अस्पताल है JLN मेडिकल कॉलेज, जी यहाँ पर भी है हमारे, यहाँ पे हाँ CTVS पूरी तरह ताले लगे हुए हैं, 2 साल हो गए सर, जी नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पर नहीं है, कई खामियाँ मेडिकल बिल्कुल साइड में है सर यहाँ बिल्कुल पर। रेगुलर इंस्पेक्शंस मेरा ध्येय रहेगा, रेगुलर इंस्पेक्शंस हों सारे चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं, CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे, और उसके माध्यम से और जन सुनवाई के माध्यम से भी हमारे पास जो शिकायत आएंगी, और अगर किसी भी तरह की कोई निष्क्रियता या कोई इस तरह का केयरलेसनेस का उदाहरण मिलता है उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, भामाशाह एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो है और ये सारी चीजें हैं, तो इसको कैसे फेस करेंगे सर आप? इसको बिल्कुल मैं स्टेट लेवल से इस पे दिशा निर्देश प्राप्त करके, जयपुर से जैसे भी दिशा निर्देश आएंगे उन पे हम क्रियान्वयन करेंगे, बढ़ती गई इसको रिव्यू करके और इसको समयबद्ध तरीके से कैसे हम आगे ले जाएं सर, उसके। कंसल्टेंट का अभी तक कुछ नहीं हुआ है स्मार्ट सिटी में। अगर जी कंसल्टेंट की बात करें तो डीवार करने के बाद में अभी तक कंसल्टेंट अभी तक हम डेप्यूट नहीं कर पा रहे हैं, और काम को जो DPR बनानी है, जो प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, वो जी बिल्कुल फाइलों में दफन है अभी। बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें मैं जैसे इनकी रिव्यू करूँगा,
इसमें जो भी कमियां, जैसे आप DPR की बात कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स की है, जयपुर में गवर्नमेंट के साथ सारी चीज़ें टेकअप करके इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। सर, कंसल्टेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो हमारे पास इतने क्वालिफाइड ये अधिकारी हैं, स्टाफ हैं सारा, XN जितने भी SE वगैरह जितने भी होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, क्या हम इनकी डिग्री को बिल्कुल नहीं मानते, कंसल्टेंट पर क्यों डिपेंड होते हैं सर? ये तो MOU जो होता है उसमें उस हिसाब से उन्होंने कोई व्यवस्थाएँ की होंगी, तो उसमें जैसे उन्होंने एग्रीमेंट किया है और कंसल्टेंट की आवश्यकता होगी, उन्होंने उसको विजुलाइज करके किया होगा, पर मैं इसको रिव्यू करूंगा, इसको इसके डेप्थ में जाने के बाद ही कोई है। सर, एक संभाग स्थित अस्पताल है JLN मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी है हमारे, यहाँ पे CDVS पूरी तरह ताले लगे हुए हैं, 2 साल हो गए सर, नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पर नहीं है, कई खामियाँ मेडिकल साइड में है सर, यहाँ पर रेगुलर इंस्पेक्शंस मेरा ये रहेगा, रेगुलर इंस्पेक्शंस हों सारे चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं, CHC, PSC, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे, और उसके माध्यम से और जन सुनवाई के माध्यम से भी हमारे पास जो शिकायत आएंगी, और अगर किसी भी तरह की कोई निष्क्रियता या कोई इस तरह का केयरलेसनेस का उदाहरण मिलता है, उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, भामाशाह एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कैसे फेस करेंगे सर आप? इसको बिल्कुल मैं स्टेट लेवल से इस पर दिशा निर्देश प्राप्त करके, जयपुर से जैसे भी दिशा निर्देश आएंगे उन पर हम क्रियान्वयन करेंगे।